तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। कलह भाग एक। 18 पापस्थानकों में 12वां पापस्थानक है कलह। कलह अर्थात झगड़ा। कलह से बचने के लिए हमें 3 स्टेप जानना जरूरी है। पहला, हमारे जीवन में कलह यानी झगड़ा पैदा कैसे होता है। दूसरा, कलह करने से क्या नुकसान होता है। और तीसरा, कलह वृत्ति से बचने के उपाय। अभी सबसे पहले हमारे जीवन में कलह कैसे पैदा होता है वह जानते हैं। अनेक रोगों का मूल जैसे खांसी है, उसी प्रकार कई बार हंसी मजाक में से कई झगड़े पैदा हो जाते हैं। कई लोगों की यह बुरी आदत होती है कि वे हर किसी से हंसी मजाक करते रहते हैं। कई बार हंसी मजाक में से बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में से ही सभी झगड़े पैदा होते हैं। अतः झगड़े से बचना है तो अपने दिमाग पर कंट्रोल रखें। दुनिया में जितने भी झगड़े पैदा हुए हैं, उन सब का मूल धन, स्त्री और सत्ता ही है। धन, स्त्री और राज्य सत्ता की ममता ही झगड़े पैदा करती है। कई लोगों के जीवन में नारद वृत्ति होती है। वे इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते रहते हैं। वे चोर को चोरी के लिए प्रेरित करते हैं और साहूकार को जागने के लिए प्रेरित करते हैं। परस्पर लड़ाना यही उनका काम होता है। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति भी झगड़े को ही जन्म देती है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।